सब यूनिट 2.7। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सब यूनिट 2.7 यूजिंग और राइटिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड का अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्त। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। एज यू कैन सी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन टू मेक स्मॉलर और टाइटर, छोटा या उसको टाइट करना, स्मॉल करना। सम वर्ड्स कैन बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कुछ शब्दों को हम छोटा कर सकते हैं। टू वर्ड्स कैन बी कम्बाइंड इन वन वर्ड। दो शब्दों को एक शब्द बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिडंट मीन्स डोंट, आरंट मीन्स आर नॉट मीन्स आरंट। नाउ वी विल प्रैक्टिस एंड सी। व्हेन वी राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सम अल्फ़ाबेट्स आर इलिमिनेटेड। कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हम उसमें से निकाल देते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके वर्ड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस गो, लेट्स गो। लेट अस कैन बी रिटन इन द वे ऑफ लेट्स। उसमें जो कॉमा लगा है वो ऊपर की तरफ लगता है और उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने देखा कि लेट में कैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा कर लेट्स बन गया। हम लेट अस को लेट्स भी कह सकते हैं, लेट्स को। सेकंड, चूज़ द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ही कैन नॉट की जगह पर आएगा कांट स्केट बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड लेग। तो कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया बच्चों कांट, सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी। उसी तरह तीसरा है हमारा सेलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इरा हैज़ अ डॉग, इट इज़ वेरी नॉटी। तो इट इज़ को हम इट लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और अपोस्ट्रोफी लगाएंगे जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है और उसके बाद यस लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो सेकंड वाले को सर्कल करोगे आप। चौथा हमारा एग्जांपल है चूज़ द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स reached late so they haven't got the books। देखिए haven't में पहले वाले ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, haven't तो लिखा है पर बीच में पंक्चुएशन नहीं लगा है। दूसरा haven't में टी के बाद पंक्चुएशन लगा है जो कि रॉन्ग है। तीसरा haven't बिल्कुल करेक्ट है, एन और टी के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो haven't थर्ड वन इज़ करेक्ट। Have not वो तो हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम contracted form लिख रहे हैं। पाँचवा हमारा example है use the contracted form for the underline word। There is an apple but it is not fresh। तो it is not fresh, it is or not का हमें contracted form में लिखना है। तो not को कैसे लिखते हैं बच्चों हम contracted form में, n और apostrophe लगाकर t लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन वन गलत है, ऑप्शन टू भी गलत है क्योंकि इज़ के बाद लगाया हुआ है, ऑप्शन थ्री इज़ नॉट लिखा है यस, ऑप्शन फोर देखिए ऑप्शन फोर करेक्ट है क्योंकि इज़ के बाद एन लगाया है और एन के बाद अपोस्ट्रोफी टी लगाया हुआ है। उसके बाद है बच्चों अभी मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेज रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको दोनों ही पेज लिखना है।